पंजाब की अति सुरक्षित जेलों में से जानी जाती नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में एक बार फिर से विवाद हो गया है। इस बार नाभा मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल के 20 चक्की के अंदर से 20 जर्दे की पुड़ियां, एक डाटा केबल, 3 हेडफोन, एक एडॉप्टर और 2 जियो कंपनी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये मोबाइल जेल में कैसे पहुंचे, ये प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं ये सारा सामान किस कैदी का है, ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जिला होशियारपुर की एसएसपी अमनीत कौंडल ने महिला पुलिस मुलाजिमों के लिए एक नया फरमान जारी किया है, जिसमें महिला पुलिस कर्मचारी अब ड्यूटी पर किसी भी तरह का कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकती हैं और ना ही अपने बालों को खुला छोड़ सकती हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमनीत कौंडल ने कहा कि उनकी तरफ से जिले में सभी महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए एक नया ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें महिला कर्मचारियों को अब ड्यूटी पर अपने बालों को खुला ना छोड़कर बालों का जूड़ा कर उसके ऊपर जाली लगानी होगी, तभी उनकी ड्रेस को पूरा माना जाएगा, अन्यथा उल्लंघना करने वाली महिला कर्मचारी पर डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। महिला पुलिस को ये ऑर्डर जारी किए गए कि जो भी असी यूनिफॉर्म होंगे वर्किंग यूनिफॉर्म से जिन्होंने लंबे बाल होंगे वी शुड टाई अ हेयर इन द बन, क्योंकि सानू साडी पुलिस का एक नॉर्म है पैटर्न जो असं यूनिफॉर्म होंगे एज पर नॉर्म्स यही सानू दसिया जाता है। जस्ट टू इनफोर्स डिसिप्लिन मैं ऑर्डर जारी किए हैं, ये कोई नवी चीज़ नहीं है, ये सदियों तो सालों तो चलती आ रही है। मैं तो सिर्फ वो कोर्स करेक्शन ही किया है। कार्रवाई तो साडा इट्स अप टू अस, साडी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी है, बट इट इज़ नॉट दैट स्ट्रिक्ट थिंग। हूँ मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट मैं कोई भी नहीं इदा का मिले, सारे वधिया ही इंप्लीमेंट कंप्लायंस हो रही है, बट आई सी एज पर सरकमस्टांसिस की करना। वॉट आई मेंट बाई हेयर स्टाइल वॉज के जो शॉर्ट हेयर है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो लंबे बाल यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही होंगे कि जेदे भी बाल लंबे उन्होंने जूड़ा ही करना होंगे पिछे, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि कोई तुम पोनी कर लोगे पोनी टेल, आई ओनली मेंट दैट।